गाइस देख सकते हो पुलिस वाले आ चुके हैं और हमारी वैगनर को उठा के लेके जा रहे हैं। देखो पकड़ लिया पुलिस वालों ने हमारी वैगनर को भी भाई साहब। अरे दीदी जिग्गू यार उन पुलिस वालों को गाड़ी मत लेके जाने दे, मैं आ रहा हूँ जितनी जल्दी हो पाए, ठीक है? हाँ तो दिक्कत मतलब बस उनको रोक के रख, मुझे आने दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जल्दी जल्दी आता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों, हमारे साथ बहुत भयंकर सीन हो गया। बिल्कुल सही जब किस्मत हो तो फिर की करेगा, बहुत बेटा था दूध। अरे कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? खुद तो सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूँ दोस्तों आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। बिल्कुल सही दोस्तों, और फिलहाल मैं आया था इस दुकान में ट्रेवर अंकल जी की कुछ चीजें लेने के लिए। अब देखो जो दोस्त समझदार है, जिन जिन लोगों को पता है कि भाई इस एरिया में क्या मिलता है क्या नहीं, तो उनको तो पता मैं ट्रेवर अंकल जी की कौन सी चीज के लिए आया था। लेकिन तभी भाई मेरे दोस्त जिग्गू का फोन आता है, जो कि हमारा शोरूम में काम करता है। उसने ये कहा कि जो हमने वैगनर मॉडिफाइड करी थी ना दोस्तों, पुलिस वाले उसे उठाने के लिए आ गए। बिल्कुल सही, शोरूम से वैगनर उठाने के लिए आ गया। पता नहीं दोस्तों हुआ क्या है, क्या पूरा सीन है, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा शोरूम के लिए। ड्राइवर अंकल जी की भाई बोतल को तो मैं इंतजाम बाद में कर लूंगा, लेकिन शोरूम तो चलो भाई फटाफट। पता नहीं भाई पुलिस वाले हमारी गाड़ी उठाने शोरूम में क्यों आए हैं, ऐसा क्या कर दिया हमने दोस्तों? हमने तो किसी को उस गाड़ी से उड़ाया भी नहीं है, ना ही हमने कहीं टक्कर भी मारी है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी है तो हमें तो लगी है चोट, किसी को तो कुछ हुआ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि एक्सीडेंट हाईवे में हुआ है तो पुलिस वालों को पता चल गया होगा। ये हुआ क्या है, पंगे क्या हुआ दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। जब किस्मत ही हो गए फुद्दू फिर की करेगा बोल बेटे का दूधू। तो देखो भाई कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो मैं निकल तो चुका हूँ, फटाफट मुझे शॉप पे पहुँचना पड़ेगा, अपने शोरूम पे जाना पड़ेगा। अगर उन्होंने भाई पुलिस वालों को रोक लिया वहाँ पे तो ठीक है, पता नहीं भाई। बिल्कुल सही, उन्होंने मेरे को जिग्गू ने ये कहा पुलिस वाले हमारी वैगनर उठा के लेके जा रहे हैं। अब भाई हमने ऐसा कुछ करा तो नहीं है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ भाई कुछ ऐसा मैंने करा हो तो। बाकी जहाँ तक मुझे याद है मैंने कुछ भी नहीं करा है, खींच के अपनी i20 स्पोर्ट्स मोड पे लगा के देख सकते हो दोस्तों, मैं भगा रहा हूँ पूरी तेज जितना जल्दी हो पाए और जितनी जल्दी मैं पहुँच पाऊँ। हालांकि देखो पहुँचने में तो टाइम लगेगा दोस्तों यार, दुकान दूर भी तो है। हट जाना भूतनी के गाड़ी वाले, हट जाता हूँ पाछे नहीं ब्रेक लगा लेते। अरे भाई ब्रेक क्यों लगाते हो, तुम पागल हो गए थोड़े थोड़े भाई, कैसे तो सनकी लोग है दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे काफी ज्यादा डर लगा। इतनी प्यारी वैगन आ रहा है हमारी और पुलिस वाले उठा के क्यों लेके जा रहे हैं भाई, ऐसा तो हमने कुछ करा भी नहीं है दोस्तों। सही में दिमाग ना पूरा सटक गया दोस्तों, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कर। अरे अरे भैंस की टैट, इसको क्या हो रहा है? अरे i10 2 तो सीधी चल ले भाई, इस i10 में भी मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों। अरे तेरी, अबे यार इसमें भी टेंट आ गया, अबे तू थोड़ा सुअर है क्या, मैं तेरा मारूंगा इतना पता नहीं कितना भूतनी के। अच्छा मेरे से लड़ेगा तू, इतना हो गया तू कबूतर की शक्ल का भूतनी के, जब तुझे दिख रहा गाड़ी साइड में लग रही है तू टक्कर कैसे मार रहा है? तेरी इतनी हिम्मत ले रखी होगी तूने मेरे से बड़ी गाड़ी, बेटे मोर बनाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और ट्रक वाले तुझे चैन नहीं है, तू क्या लड़, तेरी भैंस ओ भाई ओ तेरी, ट्रक वाला उसको ऊपर से गाड़ी ले गया। अरे भाई भैया, अरे भैया भाई ये क्या सीन हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। अरे भाई लग गई, अबे ओ भोचू ये सुपर कार देखते ही भाई मार के चले गए भाई। एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा फटाफट, अरे एम्बुलेंस को फोन कर बे टकले। अरे भाई तुम ही एम्बुलेंस को फोन कर दो, मेरे पास फोन नहीं है मेरा, एम्बुलेंस को फोन कर। आए ओ भाई, गाइस देख रहे हो भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तू एम्बुलेंस को फोन कर दे। अरे कहां मुझे अपने घर लेके जा रहा है, गाइस कोई भी एम्बुलेंस को फोन नहीं कर रहा, मेरे पास फोन भी नहीं है और उस भाई को देख सकते हो ट्रक ने कुचल दिया है। करे तो करे क्या भाई साहब, कैसे लोग है, तेरी सासू की जाओ भूतनी के, बाहर निकल तेरी भूतनी के, आया बड़ा तू, ना ना जा कर रहा है भाई साहब एम्बुलेंस को। गाइस मैं ही फटाफट फोन करता हूं, हेलो अंकल फटाफट एम्बुलेंस को फोन करवाओ प्लीज, फटाफट फटाफट एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो देख लो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अरे एम्बुलेंस को फोन करो भाई, कोई भी एम्बुलेंस को फोन नहीं करना चाहता, देख रहे हो दोस्तों कैसा माहौल हो चुका है यहां पे, कोई भी नहीं। अरे तू मेरी गाड़ी कैसे ठोक रहा है कबूतर सी शक्ल के, तेरी सासू भी जाओ, तेरी इतनी हिम्मत मेरी गाड़ी पर टक्कर मार रहा भूत नहीं के, ये ले सुअर कहीं के। तो गाइस एम्बुलेंस तो आ ही जाएगी मेरे ख्याल में, थोड़ी देर आ भाई साहब, आई लग गई। गाइस ये सब तो यहाँ होता रहता है, और देख लो मेरी i10 में भी टक्कर मार दी है। आ
यहाँ लगी जी नोरा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ दोस्तों, एम्बुलेंस को फटाफट फोन मिलाता हूँ कहीं ना कहीं से तो, और आपसे थोड़ी देर में शोरूम में जाके मिलता हूँ भाई। पुलिस वाले बस मेरी गाड़ी ना उठा के ले जाए, और शोरूम में क्या होता है क्या नहीं वो सब चीज आपको शोरूम में जाके ही बता पाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल सही, अभी तो आप देख सकते हो माहौल क्या ही हो रखा है यहाँ पे भाई, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, इतना तो मैंने देख लिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है बिल्कुल भी यार, हद हो गई। तो फाइनली भाई हाईवे से मैं कैसे ना कैसे निकला हूँ और अब पहुँचने वाला हूँ अपने शोरूम में। बिल्कुल सही दोस्तों, और जिग्गू का फोन आ गया कि भाई उन्होंने टो कर लिया और लेके ही निकल रहे हैं, मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। जिग्गू ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा भाई, और अंकल ने भी बिल्कुल सही दोस्तों। ये लो भाई, ये रही। ओ भाई साहब, मैंने गाइस देख सकते हो टो ट्रक यहीं लगा दिया इसके आगे, और ये भाई हमारे वर्कशॉप वाले अंकल भी पुलिस वालों को समझा रहे हैं। अरे हुआ क्या है, ये क्या ही सीन हुआ, एक मिनट अंकल जी, एक सेकंड आप लड़ो मत पुलिस वाले अंकल जी, क्या सीन हुआ। अरे भाई एक सेकंड गाइस, देख सकते हो पुलिस वाले आ चुके हैं और हमारी वैगनार को उठा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ये पुलिस वाले आके मेरी वैगनार को उठा के लेके जा रहे हैं भाई, क्या ही सीन हो चुका है भाई, देख सकते हो पूरी टो कर ली है वैगनार भाई। अरे सुनो पुलिस वाले अंकल जी, आखिरकार मसला क्या हुआ मुझे ये बताओ। देखो हमने कोई क्राइम नहीं करा, हमारी वैगनर हमारी ही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी वैगनर हमारी ही है, हमने कोई भी ऐसी गलती वलती नहीं करी है, तो गलती वलती माफ करो ठीक है अंकल जी। आप ही बता दो हमने करा तो करा क्या है। हमें कंप्लेन मिली है भाई साहब, ठीक है, कि ये गाड़ी किसी ने खरीद रखी और किसी और के नाम पे, और तुम इस गाड़ी को चला रहे हो, और चला चला के तुमने ठोक भी दी है। अब तुम्हारे पे केस हो गया, FIR हो चुकी है, अब तुम सीधा मेरे से थाने में आके बात करना, फालतू बकवास सुना कर रही है तू। अरे आप मेरी बात तो सुनो, अभी किसी के नाम पे ये वैगनर हुई नहीं है, हाँ माना हमने ये बेच। अरे मैं क्या कह रहा, बकवास मत करे, थाने में आकर बात होगी, FIR हो ली है, फालतू बकवास ना करे ना तो तेरा मोर बना दूंगा यहाँ। यार थाने में जाके क्या बात होगी अंकल जी, आप मेरी बात तो समझो यार। भाई अंकल तो मान ही नहीं रहा, कह रहा भाई थाने में जाके बात होगी, तू पागल है क्या है? हद। अरे ये क्या करती है जी? अरे अंकल जी रहन दो, मेरे को बताइए कैसे मानेंगे कैसे नहीं, पैसे पूसे खिलाए हैं किसी ने इनको, ठीक है मैं बता दूं। देख सकते हो दोस्तों भाई मुझे तो आ गया गुस्सा, ठीक है बिल्कुल गुस्सा आ गया इतना भयंकर भाई, क्या ही बोलूं मैं, अलग ही मैटर है भाई। अरे ले जाने दो थाने में, क्या हो जाएगा अंकल जी, अंकल जी कह रहे हैं भाई थाने ले जाएंगे ये। हाँ यार देख सकते हो दोस्तों मसला हो चुका है, पुलिस वालों ने बिल्कुल सही दोस्तों देख सकते हो ये अलग ही सीन कर दिया है, पुलिस वाले मुझे लेके जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी में बिठा के अरेस्ट करके। बिल्कुल सही, और पीछे गाइस हमारी वैगनार भी आ रही है भाई, ये क्या सीन हो चुका है। अब मेरे को इसलिए उठाया, इनका कहना ये है कि भाई तुमने हमारे पुलिस वालों पे हाथ उठा दिया, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठा दिया, जो टकला है ना गाइस सामने गाड़ी चला रहा है इसी ने ही मुझे अरेस्ट करा है। बिल्कुल सही, और मुझे भी लेके जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी गाड़ी को भी पीछे आ रही है गाइस, आपको दिख रही होगी वो, देखो टो ट्रक में गाइस हमारी गाड़ी आ रही है। मसला हो गया बहुत भयंकर दोस्तों यार, अब वो देखो कैसे हमारी वैगनर आई है पीछे की साइड, आपको दिख रही होगी दोस्तों, अब ये मुझे भी पकड़ेंगे और हमारी वैगनर को तो पकड़ा ही पकड़ा, कह रहे तुम पे ऐसा केस डालेंगे कि तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। यार गुस्से में मैंने मार दिया भाई, अब मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं दोस्तों, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे पुलिस वाले, मतलब यार मेरी गाड़ी के साथ साथ भाई देख सकते हो दोस्तों इन्होंने भाई मेरे को भी अरेस्ट कर दिया है। अब करूँ तो करूँगा समझ नहीं आ रहा यार, जब किस्मत ही हो फिर की करेगा बोन बेटे, लो भाई लेके भी आ चुके गाइस हमें थाने में, अब मैं करूँ तो करूँगा ये चीज समझ नहीं आ रही भाई यार, फंस गए हम तो। बिल्कुल सही दोस्तों, ये देखो गाड़ी लगा दिया भाई इन्होंने यहाँ पे। अरे अरे मेरी बात सुनो सर जी, मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है भाई, सही में मेरी कोई गलती नहीं है भाई, अलग ही सीन चल रहा है गाइस, बिल्कुल गुस्से में ये पुलिस ऑफिसर, और वो देख सकते हो गाइस सामने की साइड ट्रक में, ये देख रहे हो पुलिस वालों ने मेरे को भी अरेस्ट कर दिया और हमारी वैगनार भी पकड़ ली भाई। बिल्कुल सही, मेरे को तो अरेस्ट करा ही करा, मेरे को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, हमारी वैगनार को भी भाई साहब। मैंने कुछ नहीं करा, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ पुलिस, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे पकड़ के ले आए और मुझको पीटा भी, मैं क्या करूँ दोस्तों। तो फिलहाल आप देख सकते हो मैं हूँ पुलिस स्टेशन में, बिल्कुल सही जेल के अंदर। अब मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं था भाई, इस पुलिस वालों ने गुस्सा दिलाया, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था, और यहाँ लाया मुझे बिल्कुल पकड़ के मेरे शोरूम से उठा के और मेरे को पीटा, इतना
इतना ही नहीं दोस्तों, पीट पीट के मेरा मोर तो बनाया और कबूतर जैसी और बंदर के पिछवाड़ा जैसा लाल होता वैसा मेरा मुंह बना दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, इन्होंने भाई मुझे खुली धमकी दे दी है, जो तुमसे होता है वो कर लो, तुम्हारी गाड़ी तो छोड़ने से नहीं और तेरे पे ऐसा केस डालेंगे कि तू निकलेगा ही नहीं बाहर। बिल्कुल सही दोस्तों, भाई इन्होंने पूरी अपनी फाइल रेडी कर लिया, मेरे पे केस कर दिया भाई, FIR वगैरह कर दिया पूरी की पूरी, देख सकते हो दोस्तों। और जो ये साथ में मोहतरमा खड़ी है ना, ये भी पीछे से कह रही थी मारो इसे और मारो, और वो देखो भाई ये रहा वो पुलिस वाला लठ लेके खड़ा हुआ है। और जिग्गू अंकल मुझे बचाने नहीं आए, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही यार, उनको तो आना चाहिए था, पता नहीं दोस्तों क्या ही मसला हो गया यार। तो गाइस इन पुलिस वालों ने मेरा पीट पीट के दोबारा से बंदर के पिछवाड़े जैसा मुंह बना दिया, आप देख ही सकते हो। और अब जाके मुझे पीने को पानी दिया जब से मुझे प्यासा रखा था, और अभी भी इसलिए दे दिया क्योंकि अंकल और जिग्गू यहाँ पे आए और उनके सामने मुझे पानी दे दिया। बिल्कुल सही, और अंकल जो जिग्गू भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे, गाड़ी बेशक रख ले मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे, लेकिन ये जो मोहतरमा आप देख रहे हो ना भाई, इसने साफ मना कर दिया कि नहीं छोड़ेंगे, अब इसके नाम पे केस हो चुका है, ये है वो है, भाई बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं। अरे अंकल जी सुनो मेरी बात, जिग्गू मेरी बात सुन, बिल्कुल सही, जिग्गू इधर आ, जल्दी इधर आ, इधर आ मेरे भाई, जल्दी इधर आ, देख मेरे भाई ये मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, केस इन्होंने कर दिया और अभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो सब चीजें छोड़, मेरे पिताश्री तक इन्फॉर्म कर भेज दे कि भाई पुलिस वालों ने मेरे को उठा लिया और मेरे को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, बस पिताश्री को ये न्यूज भेज दे, ये खबर पिताश्री के पास पहुंच जाएगी ना, पिताश्री कैसे ना कैसे आके मुझे अपने आप छुड़ा लेंगे, पर प्लीज पिताश्री तक ये खबर तुझे ही पहुंचानी है कैसे भी करके। हाँ हाँ मुझे पता है तू दुखी है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, जिग्गू गुस्सा आ रहा था मुझे वो सुन नहीं रहा था, तो थप्पड़ तो खाएगा, अभी बाहर आऊंगा ना मैं, बाहर निकल के भी इसके टाट पे दो थप्पड़ मारूंगा, भूतनी का सुनता ही नहीं है भाई, वो अपनी ज्यादा दादीगिरी दिखा रहा था जिग्गू। अरे समझा कर मेरे भाई, तेरे को बस पिताश्री को बताना है ऐसी ऐसी बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, और जब तक शोरूम का ध्यान रखियो, क्योंकि जितना शोरूम मेरा है उतना शोरूम तेरा भी है जिग्गू, ठीक है, दिक्कत मतलब मैं ठीक हूँ यहाँ पे, इनका पूरा बदला लूंगा, जो इसने मेरे को पीटा है ना इतना तो मैं भी इसे पीटूंगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ बाहर निकल के, पर तू आराम से तसल्ली से पिताश्री को ये खबर पहुँचा दे जल्दी से जल्दी मेरे भाई यार। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, इन्होंने मेरे को दोबारा पीटा, मतलब एक ही दिन में तीन बार पीटा है, और मेरे घर वालों तक इन्फॉर्म करने की भाई मना कर दिया, उनको भी धमकाया कि इसके घर तक इन्फॉर्म भी करा ना तो सबको पीटेंगे, ऐसा कहा भाई इस पुलिस वाले ने, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे को किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, मैं अपने लोयर अंकल को फ़ोन करता उनसे भी बात नहीं करने दे रहे हैं, और बस मुझे बिठा के बस पीटे ही जा रहे हैं पीटे ही जा रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गुड्डा हूँ और उसको पीटते रहो, ये कोई बात होती है क्या दोस्तों? भाई देख सकते हो मेरे हाथों के हाल क्या हो चुके हैं, मेरे हाल क्या हो चुके हैं, आप ये सब चीज़ें देख सकते हो भाई, मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और अब जाके मैं यहाँ खड़ा हो चुका हूँ, आई डोंट नो दोस्तों क्या होगा क्या नहीं, मैं गाड़ी के छूटने की तो क्या ही बात करूँ, मुझे अपना छूटना यहाँ पुलिस स्टेशन से बहुत भारी लग रहा है यार, पिताश्री को खबर पहुँच गई तो जाके मैं छूट सकता हूँ, नहीं तो भाई मैं फंस चुका हूँ। आप लोगों को क्या करना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाना है ठीक है दोस्तों, और फटाफट पिताश्री को बोल देना है कि जिमी पुलिस स्टेशन में है, जिमी पुलिस स्टेशन में है, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों, नहीं तो पंगा हो जाएगा बिल्कुल। पिताश्री की वीडियो में जाके कमेंट कर दो कि जिमी पुलिस स्टेशन में है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बिल्कुल सही दोस्तों, अब तो मुझे नहीं पता कितनी रातें मुझे यहाँ गुजारनी पड़ेगी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तो आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आया होगा, वैसे तो क्या ही मजा आया होगा भाई, आज की वीडियो में तो ऐसी तैसी हो चुकी है मेरी गंदे तरीके की, तो चलो ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, चंगा, फिर अगली घड़ी पिताश्री को जल्दी इन्फॉर्म कर दो, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।